हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मैं प्यार से यूट्यूब चैनल घर बगीचा होम गार्डन में। आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार काम करने। उस काम को देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब बटन अभी तक नहीं दबाया है तो मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये मेरे कुछ फ्लावर्स हैं, 3 फ्लावर्स की हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अपनी वीडियो थोड़ी सी इनोवेटिव टाइप में स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने गार्डन में लहसुन उगाने और साथ ही साथ प्याज उगाने। प्याज तो बहुत ही आसान होती है, आपको छोटे छोटे से प्याज लेने ही, उसको ही वो गड्ढा करके गाड़ देना है और कुछ दिनों में 15-20 दिनों में बड़ी बड़ी इसमें लीव्स आ जाएंगी। इतनी अच्छी लगती हैं ये सब देख के। और लहसुन थोड़ा अलग टाइप का होता है, उसको उगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग शोपीस देख लेते हैं कि कैसे हम लोग ने इसको ग्रो करके 15 दिन बाद का रिजल्ट है। तो अभी हम लोग ग्रो करते हुए भी दिखाएंगे, तो हम लोग की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो ये मेरा एक पॉट है, इसमें मैंने मिट्टी रख ली है। कौन कौन सी मिट्टी है? मिट्टी का मिक्सचर है 70% गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट। आप चाहें तो इसमें गोबर की खाद भी मिला सकते हैं और नीम खली मिला सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप कंपोस्ट और गार्डन सॉइल मिलाएं। फिर हम लोग एक छोटा सा बाउल ले लेंगे या फिर कोई भी आप प्लास्टिक का डब्बा ले लें, उसमें मिट्टी भर लेंगे। यही सवाल मैंने इसमें भरी है। हम लोग जो होती है लहसुन की घास, उसमें से हमें लहसुन निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमें कैसे इसको गाड़ेंगे ये भी देखिएगा, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट होता है। बॉल उल्टा गाड़ देते हैं, बॉल सीधा गाड़ देते हैं, सही गाड़ देते हैं, पर उनकी निकलती नहीं है। तो यही हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। और हमारे वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर और लाइक नहीं करा है तो कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये मैंने कुछ लहसुन के गांठ ले लिए, इन्हीं लहसुन के गांठ से हम लोग उगाने वाले हैं। तो हम लोग इन लहसुन के गांठ का क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला नुकीला पार्ट होता है उसको हम नीचे दबाएंगे और नीचे जो इसकी पूंछ टाइप की होती है उसको ऊपर रखेंगे। अभी हम बताएंगे कैसे। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, ये देखिए ऊपर का जो नुकीला पार्ट है वो हम लोग नीचे दबा रहे हैं और जो ऊपर का मीन्स ये नुकीला पार्ट आप देख सकते हैं, नुकीला पार्ट नीचे दबाना है और जो पूंछ है वो ऊपर होनी चाहिए, उसी से लीव्स प्रोड्यूस होंगी। तो जस्ट ऐसे ही करके आपको दबाना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। इसमें पानी वगैरह कंपोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर क्या होता है कि इसमें रूट बढ़नी चाहिए और ये बाद में कैसे निकलता है, बहुत ज़्यादा आलू तरीके नहीं, ये एक बल्ब बन जाता है, बल्ब बन जाता है और ताकि ये और बहुत ही मतलब एक बल्ब बन जाएगा पूरा एक लहसुन से। बहुत ही ईजी होता है इसको उगाना और सर्दी के टाइम तो इसको उगाना बहुत ही मस्त है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो होती हैं हरी हरी, इसको हम लोग काट के सब्जियों में लहसुन का स्वाद ले सकते हैं। अगर आपके पास लहसुन नहीं है तो आप ऐसे लहसुन का स्वाद ले सकते हैं, आप बस उस पत्तियों को काट के छोटे छोटे से पीस कर लें, जैसे आप मेथी वगैरह काटते हैं ऐसे ही काट लीजिए, उसको डाल लीजिए, इतना मस्त स्वाद आता है उससे। और लहसुन तो वैसे बहुत लोग सिरका में भी खाते हैं, अचार भी बनता है, बहुत कुछ बनता है। तो देखते रहिए कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग ने सारे लहसुन को वो कर दिया है, बिल्कुल लगा दिया है, तो अब रिजल्ट देख सकते हैं। ये तो प्याज है, प्याज कैसे उगाना है ये भी बता देते हैं। छोटे छोटे से तो प्याज आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से रबर टाइप के आते हैं, उनको आपको गड्ढा करके लगा देना है। 15 दिनों में ये इतने सारे हो जाएंगे। और ये लहसुन का है, मैंने जब पहले करा था तो उसके बाद का रिजल्ट है। जब मैंने पहले करा था तो ये 15 दिनों में उगाया था और इतना मस्त रिजल्ट है आप देख सकते हैं। और ये मैंने कुछ ये, आप ये गौर करिएगा, इसमें जिसमें मैंने ये लगाया है इसमें पहले तुरई कद्दू करेला लगा था, ये तीन
चीज लगी थी आप गौर करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि आपने वो वीडियो देखी कि नहीं। अगर देखी है तो उस वीडियो में आपने क्या देखा है, मतलब कद्दू कितना बड़ा होगा। हम लोगों ने कद्दू कभी उगाया है? तो अभी जिस वीडियो के बारे में चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो लहसुन जैसे कि बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है सब्जी में, बहुत ज़्यादा मस्त होता है। आप उसकी लीव देख सकते हैं कितनी अट्रैक्टिव होती है ना। आप उगाएंगे और फिर इसमें से बल्ब निकलेगा, बल्ब तो 6 महीनों बाद निकलता है। इसका रीज़न मैं आपको 6 महीने बाद दे सकती हूँ जब बल्ब निकलेगा। आप देख सकते हैं इसमें लहसुन दिख भी रहा है, तो हम लोग उसको ढक देंगे कि वो और बने। देखिए दिख रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है बल्ब। अब 6 महीने बाद ही हम लोग रिजल्ट आपको दिखाएंगे, तब हम लोगों की अलग इसकी वीडियो बनेगी। हम लोग अपडेट डालते रहेंगे शॉर्ट्स में, तो हम लोग इसकी वीडियो देखते रहिएगा और सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड ये तीनों चीज़ कर दीजिएगा। देख सकते हैं किसमें मैंने लगाया है, और बीच में डंडी इसलिए लगाई थी कि इसके ऊपर मैं जाली लगाऊंगी। जाली के कारण ये थोड़े से झुक से गए हैं, क्योंकि जाली के कारण ना चूहा खा सकते हैं इनको और ना बंदर ख़राब कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो बंदर वगैरह सब बेकार कर देते हैं सब, तभी गुस्सा आती है ना। इसलिए आप इसमें लहसुन अभी आप देखिएगा, इसमें प्याज भी दिखेगा। ये देखिए इसमें प्याज भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं प्याज भी, छोटा सा प्याज है, बिल्कुल छोटा सा है। और उसमें देखिए आपने कैसे दिखाया है, जो ऊपर का वो जो बाल जैसा लगा रहता है उसको नीचे डाला है, और उसकी भी जो ऊपर पूछ रहती है वो ऊपर रखी है। जैसे लहसुन में हम लोगों ने करा था, पॉइंटेड चीज नीचे रख दी थी और जो पूछ वाली चीज थी वो ऊपर रख दी थी, जिससे वो ग्रोथ हुई थी। और वो डंडा इसलिए लगा है क्योंकि वो बहुत ही ईजी रहता है हम लोगों को बचाने के लिए। अब इसको भी मैं यहीं रख देती हूँ, इसका भी रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब इसमें भी कोई रिज़ल्ट निकलेगा। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसमें पानी डालना ना भूलें। तो अब हम लोग ढक देते हैं इसको जाली से, कि जिससे कि जाली से क्या होएगा कि ये बंदर नोचेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। इनको भी हम लोग ढक देंगे। अब देख सकते हैं थोड़े से दबे दबे से ही हैं। देखिए यही डंडा हेल्प करता है कि आपका ये ऊपर क्यों रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।